हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चेदानी में सूजन के बारे में। ये भी एक कॉमन सा सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि बच्चेदानी में सूजन तो नहीं है। अब उनको ये लगता है कि कोई भी पेडू के अंदर दर्द है या कोई डिस्चार्ज आ रहा है या कोई भी एबनॉर्मल लक्षण लगता है, तो कई बार लोग उन्हें बता देते हैं कि बच्चेदानी में सूजन है। अब इस बच्चेदानी में सूजन का आखिर मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ये क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है और इसका कैसे पता लगेगा और इसका क्या इलाज है, इस पूरे वीडियो में हम इन्हीं बातों में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि बच्चेदानी में जो सूजन है उसका मेडिकल या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में उसे हम एंडोमेट्राइटिस या मायोमेट्राइटिस बोलते हैं, यानी कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाना जिसमें अंदर की लेयर शामिल है और बीच की लेयर भी शामिल है। जनरली एंडोमेट्राइटिस बहुत कॉमन हो सकता है। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं कि या तो इन्फेक्शन कहाँ से आता है, जैसे भी जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो इन्फेक्शन होता है जिसमें बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है या गोनोरिया हो सकता है या और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आप इंटरकोर्स मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, मल्टीपल टाइम इंटरकोर्स करते हैं तो और ज़्यादा चांसेस होंगे। इसके अलावा अगर आपने DNC करवाई है या आपने कोई प्रोसीजर ऐसा करवाया है जो बच्चेदानी के रास्ते में या बच्चेदानी के अंदर तक इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है, कमज़ोर है, अंदर का बैक्टीरियल फ्लोरा चेंज हो गया है तो भी बच्चेदानी में सूजन आ सकती है, यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है। अभी इन्फेक्शन किस किस प्रकार का हो सकता है, इन्फेक्शन जनरली बैक्टीरियल यानी कि कीटाणु वाला होता है, फंगस का हो सकता है या फिर गोनोरिया हो सकता है या फिर क्लेमाइडिया हो सकता है। क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है जिसको PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। PID के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेडू के अंदर दर्द होता है, डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा आता है और अगर ये फंगल है तो ये सफ़ेद दही जैसा पानी आता है, अगर ये बैक्टीरियल है तो नॉर्मल पीला पानी आएगा और अगर ये ट्राइकोमोनियल है या फिर तो हरा पानी आ सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर ऑप्शंस होते हैं जिससे कि अपने को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार का इन्फेक्शन होगा। किसी प्रोसीजर के बाद या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ या मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद में अगर आपको इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम इन्फेक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। जब भी आप इंटरकोर्स करें तो कंडोम का इस्तेमाल करें, क्योंकि कंडोम का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा बचाव है। HIV एड्स जैसी बीमारियों का भी कंडोम से ही बचाव है। तो इन्फेक्शन से बचाव का सबसे बढ़िया रास्ता सिंगल एक ही है कि आप कंडोम का इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आप कोई भी टैम्पून, वजाइनल पैड या कुछ भी यूज़ करती हैं तो स्टराइल होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। जब भी आप मेंस्ट्रुअल अपने जो महीने आते हैं और गंदा कपड़ा यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो नहीं यूज़ करने हैं। हमेशा स्टराइल पैड जो कि सिंगल यूज़ पैक होते हैं, पैड यूज़ करें या टैम्पून यूज़ करें। मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज़ करती हैं तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन वो कप को धोना, बिल्कुल साफ़ तरीके से धोना होता है और धूप में सुखाना होता है ताकि जो धूप के अंदर UV रेज होती हैं, अल्ट्रा वेव्स होती हैं, उनसे उसका कीटाणुज जो उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि उसका डिसइन्फेक्शन हो जाता है। तो अपने अंडरगारमेंट्स को भी धूप में सुखाएं और अगर मेंस्ट्रुअल कप या कोई कपड़ा अगर आप यूज़ करती हैं तो उनको धूप में, कड़ी धूप में अच्छे से सुखाएं ताकि साफ उनका डिसइन्फेक्शन हो सके। और ज़्यादा हो सके तो डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करिए जो वन टाइम यूज़ होती हैं ताकि इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम हो सके। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन है तो आप जो प्यूबिक वॉश आते हैं, जो नॉर्मल डिसइन्फेक्टिंग केमिकल्स होते हैं, वो यूज़ कर सकती हैं, बस जैसे डेटॉल है, सेवलॉन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने होते हैं क्योंकि नीचे का जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होता है। तो इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं जो डिसइन्फेक्टेंट तो हैं लेकिन वहाँ की स्किन के लिए नहीं बने हैं, तो आपको उससे डर्मेटाइटिस यानी कि चमड़ी पे जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है और कई बार एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, तो वो यूज़ नहीं करने हैं। जो स्पेसिफिक प्यूबिक वॉश आते हैं यानी कि जो नीचे के एरिया के वजाइनल वॉश जो आते हैं, जो इसी वहाँ उस एरिया के में यूज़ करने के लिए ही बने हैं, सिर्फ वो ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं। और ये इनका भी, एंटीसेप्टिक्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है वो ख़त्म हो जाता है, हेल्दी बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाता है और कीटाणु वाले बैक्टीरियाज हावी हो जाते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी टाइम पे आप सिंपल जो नॉर्मल ठंडा पानी है वो यूज़ कर सकती हैं, जिससे कि आप वॉश करते रहें, क्लीन रहें। इसके अलावा अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करती हैं तो भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कोशिश करें कि पब्लिक टॉयलेट्स का कम से कम इस्तेमाल हो। और जब भी अगर आप टॉयलेट सैनिटाइज़र्स होते हैं तो आप सीट पर टॉयलेट सैनिटाइज़र स्प्रे कर फिर यूज़ कर सकती हैं, जिससे कि आपको इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको पेड़ों में दर्द है, डिस्चार्ज हो रहा है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है और आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है कि बच्चेदानी का सूजन है, तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर आपको नीचे से चेक करके बता देती हैं कि किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। और कई बार वो उसका सैंपल भी लेती है, जिसको कि कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि इस इन्फेक्शन में किस तरीके का बैक्टीरिया है और कौन सी दवाई उस पर काम करती है, जिससे कि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। और कई बार अंदरूनी इन्फेक्शन होता है तो दूरबीन डालकर भी देखना पड़ता है, जिसे स्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिससे कि अंदर का एंडोमेट्राइटिस पता चल पाता है। क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, यानी जो टीबी का इन्फेक्शन होता है, जो जनरली बच्चेदानी के अंदर के लेयर में यानी एंडोमेट्रियम के अंदर होता है, और उसका सैंपल लेने के लिए हमें दूरबीन डालकर उसे चेक करना होता है और फिर अंदर से ही सैंपल लिया जाता है। फिर उसका टीबी का अलग से टेस्ट भेजा जाता है, तभी कंफर्म हो पाता है कि बच्चेदानी में कहीं ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो गया। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा कारण है, यानी कि बांझपन का भी बहुत बड़ा कारण है। इसलिए टीबी का टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। और नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे कि क्लेमाइडिया अगर होता है, तो क्लेमाइडिया भी ट्यूब्स को डैमेज करता है, तो उसका भी अलग से टेस्ट होता है। तो टेस्ट करवाने से ही हमें पता चल पाता है कि कितना इन्फेक्शन है और क्या इलाज करना है। तो सोनोग्राफी और ये कुछ कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं, और हिस्ट्रोस्कोपी से हमें कंफर्म हो जाता है कि इन्फेक्शन है। और जब कल्चर टेस्ट आता है तो उसके हिसाब से उसमें मेडिसिन भी आती है कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है, तो उससे इसका इलाज भी हो पाता है। इलाज में जनरली सूजन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती है, पेन कम करने के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं, और सूजन कम करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे कि जो कीटाणु है यानी कि बैक्टीरिया, फंगस या जो भी है वो दी जाती है, ताकि उनको जड़ से बीमारी को ख़त्म किया जा सके। अगर बच्चेदानी में सूजन है, इन्फेक्शन है, और अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं तो ट्यूब्स में इन्फेक्शन होकर ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है, ट्यूब्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, और बच्चेदानी का जो अंदर का लेयर है वो डैमेज होकर चिपक जाता है, तो एडिशंस बन जाते हैं, तो इम्प्लांटेशन यानी कि बच्चा उसमें आकर नहीं लग पाता, तो इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, और कई बार बच्चे में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यानी कि बच्चेदानी में अगर सूजन है, इन्फेक्शन है, उसको हल्के से ना ले, आगे चलकर ये आपको समस्या दे सकता है। और कई बार ये बहुत ज़्यादा बढ़कर मवाद का रूप लेता है, तो पेट में कई बार मवाद भी पड़ जाती है। तो उसको जब भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं, और जो भी डॉक्टर आपको दवाई लिखता है उसको टाइमली लें और टाइमली फॉलोअप करें, ताकि ये समस्या को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अगर इस समस्या से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।